और इस वक्त आपको हम सीधे लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। आए हैं 1,63,000 तक, यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके हम लोगों ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर के इस दौर, यानी प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। आज 4.5 करोड़ टेस्ट कर उत्तर प्रदेश अपना पूरा कर चुका है और ये एग्रेसिव कैंपेन इस दिशा में उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ निरंतर चल रही है। पहला कोरोना पॉजिटिव जब यूपी में आया था तब हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी, आज 2.5 से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास बेड्स नहीं थे, हमने फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता थी, 1,16,000 तक उसे पहुंचाया था। L2 L3 की 23,000 तक हमने बेड्स पहुंचाए थे, लेकिन सेकेंड वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता नहीं थी, L2 L3 की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ी, तो हम आज 80,000 तक पहुंचा चुके हैं। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी, लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले, एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे, और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दिशा से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेज, हॉस्पिटल और CHC में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन की दिशा से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हर एक जनपद को इस दौरान उपलब्ध कराए गए हैं। एक आशंका जो व्यक्त की जा रही है वह 2-3 चीजों को लेकर, एक गांव में इंफेक्शन की दिशा से उत्तर प्रदेश ने 2 मई से ही इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं, हर लक्षण युक्त और संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही हैं, उनकी सूची ICCC के साथ देकर के फिर ICCC से रैपिड रिस्पॉन्स टीम वहां जाकर के एंटीजन टेस्ट करती है, उन्हें मरीज के लक्षण के अनुसार हॉस्पिटलाइज करना, क्वारंटीन सेंटर में रखना या होम आइसोलेशन में रखना, इन सब पर कार्य हो रहा है, और एक एग्रेसिव कैंपेन वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर 97,000 राजस्व गांवों की दिशा से लेकर के राज्य सरकार ने लिया है, और यह अभियान हमारी 60,000 से अधिक जो निगरानी समितियां बनाई हैं, जिसमें 8 से लेकर 10 सदस्य निगरानी समिति में हैं और 12,000 नगरीय क्षेत्रों में ये निगरानी समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं, ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज NCR के 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त मेरठ में वो संबोधित कर रहे थे और बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यूपी सरकार कोरोना को लेकर काम कर रही है।